मतलब उसको जोर से मारे मत कर ऐसे नहीं कर सकते इसको ऐसे। तो ये जो एयरपोर्ट होटल है ये एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है, वहां से रनवे दिखता है, तो कांच पे जोर से मार नहीं सकते। मतलब अगर आप तोड़ने के इंटेंशन से करोगे तो वो अलार्म बजेगा। तो सिक्योरिटी चेक करना चाहिए आज पत्थर लाया होगा। तो अभी शोभित भाई को पिकअप किया मैंने एयरपोर्ट से और गौरव भाई के यहाँ पर आ गए, बिकॉज गौरव भाई की यहाँ पर आज आखिरी रात है फिलहाल ये ट्रिप के लिए। हाँ, कल निकल रहा हूँ। आपके व्लॉग का पता नहीं बाद में होगा, अपना तो शुक्रान लीला हो गया अभी। तो अभी शोभित को लगी है भूख, जाएंगे हम बाहर खाएंगे कुछ गर्मा गर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। And welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. कल रात को इतनी खतरनाक वाली मस्ती की ना हम लोग ने, कसम से अगर घर में कैमरास होते हैं ना तो बिग बॉस से ज्यादा टीआरपी आ जाती और तूने मिस कर दिया। जो धमाल किया ना हम लोगों ने बॉस, नेक्स्ट लेवल। जो घर का काम है कल तक हो जाना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, दैट इज द रीजन होल डे आई वाज इनसाइड माय हाउस। इसके लिए जो मैं व्लॉग शूट करने वाला था वो मैं शूट नहीं कर पाया, बट देन अच्छा हुआ नहीं किया, वरना रात वाली मस्ती हम लोग नहीं कर पाते। तो हम लोग अभी जा रहे हैं फीनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला टू गेट माई बाइसाइकिल, जो कि अपने थंबनेल में टाइटल में देख लिया होगा। चलो कैसे आ रहा है? हमारे साथ आ रहा है कि स्कूटी लेके आ रहा है? पैदल पैदल आ रहा है। चलो साइकिल लेके चला गया ना। तो शोभित भाई का वॉलेट नहीं मिल रहा है। शोभित भाई ने कल रात की मस्ती में कहीं अपना वॉलेट घुमा दिया, मिला पता नहीं शायद अंदर चेक किया, चेक किया नहीं है, मिल नहीं रहा, ऐसा नहीं है, वो बैग में कहीं रखा है। तो कार्ड ब्लॉक करने की कार्ड ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की जाए? चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अगर वॉलेट सच में घुमा है तो कार्ड पहले ब्लॉक करना चाहिए। बट तुझे लगता है कहाँ पर रहेगा एग्जैक्टली? मेरे हिसाब से तो जहाँ अपन ताज होटल गए थे ना गौरव भाई के पास, वहीं पे रह गया उन्हीं के उस कमरे में। तो गौरव भाई वॉलेट दुबई लेके चले गए, इसका मतलब गौरव भाई एमएन का था ना, एमएन का, ही लव्स एमएन। क्लेम नहीं आता क्या? लगता तो नहीं है, तो प्रमोट कर रहा हूँ। रेड एफएम को फोन करो भाई, कल क्लेम के लिए तैयार है। मैं गया भी था। जो है पेड़ गिर चुका है और अभी हम लोग रॉन्ग वे से जाना पड़ रहा है हम लोग को। जब होता रहता है मुंबई में, कहीं पेड़ गिर जाता है, कहीं आदमी गिर जाता है, कहीं गाड़ी पलट जाती है, फिर रॉन्ग वे से जाना पड़ता है। रॉन्ग वे से जाके ये जो चूहे हैं ये ऐसे ऐसे आते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है आपके पास कौन सी भी गाड़ी रहती है, उनको पता है जितनी बड़ी गाड़ी उतना मजबूत। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी भी। इसकी भी? इसमें क्या? काम में लगो, काम में लगो, काम में लगो। यार बॉक्स के साथ है कुछ, है भी नहीं इसमें। टीवी तो नहीं दे दिया, सैमसंग ट्रैक भी बना था। हर जगह कुछ दिन पहले हमारे शाहिद भाई ने हमको एक ट्रैक के इवेंट में बुलाया था, वहाँ का जो ब्लॉग बना था वो बहुत अच्छा बना था और बहुत सारे लोगों को पसंद आया। अरे भाई बहुत सारे लोगों को नहीं, ट्रैक की मार्केटिंग को पसंद आया है भाई का वीडियो, और इसलिए उन लोगों ने मुझे डब्बा गिफ्ट करने का डिसीजन लिया। भाई 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 ये डब्बा नहीं है भाई, ये 2.5 लाख रुपए की साइकिल है, 2.5 पेटी। जितने की भी डब्बे के अंदर ही आती है ना, हमको भी डब्बे के अंदर ही जाना एंड में। ये भी तो सही, अभी फिलहाल डब्बे से बाहर निकालते हैं तो कुछ छुरी। यस यस, छुरी लाओ भाई भाई, ऐसे नहीं है, ऐसे ही खुलेगा। अच्छा ऐसे ही खुलेगा, अच्छा अच्छा, ब्रांड दिखा रहा है जी भाई। नहीं वो खुलता ही वैसे। ये तो संजू टॉप गियर वाली साइकिल लग रही है बॉस। संजू टॉप गियर, ये टॉप गियर का बाप है। जो जीता वही सिकंदर। क्या बात है, तो बहुत ही हल्की है यार, इससे तो शोल्डर वर्कआउट मिल रहा है। कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर और कार्बन, कार्बन फाइबर सोच पता नहीं ऐसे बोल रहा हूँ, सब पता है भाई। उसको असेंबलिंग में डालते हैं। और अभी जो अपनी साइकिल बन चुकी है तो अभी हम इसको चलाएंगे। यस चलो। लाइट एज फेदर। सो माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ट्रैक FXS5, परफेक्ट, इट्स वेरी लाइट, बहुत मजा है चलाने के लिए। उस दिन भी चलाया था बट आई थिंक उस दिन साइज छोटी थी। उस दिन आपने जो चलाई थी वो साइज 52 थी और ये 56। थोड़ी सीट नीचे कर दी ना। हां वो क्या ज्यादा ऊपर हो गई थी, थोड़ा ऐसा रेसिंग पोजीशन हो गया था अपने, हो गया रेसिंग पोजीशन पसंद नहीं अपने को, टूरिंग पोजीशन पसंद। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी नाइस।
कितना वजन कम हुआ? ये कोई 10 ग्राम। बाइक का के मेरा पता नहीं। ये मेरे लिए? आपके लिए। साइकिल लेने की खुशी में कि बर्थडे के पहले वाला केक? ये साइकिल लेने की खुशी में भी और बर्थडे के पहले वाले। प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी ट्रेंड टू यू, कांग्रेचुलेशंस निखिल भाई आपकी न्यू बाइक के लिए। थैंक यू। अपना अपना काट खा लो। नहीं मॉल में, लेकिन मैं शाहिद भाई को बोला कुछ सेटिंग लगाओ यार, मुझे मॉल में साइकिल चलाना। शाहिद एक ऐसा मतलब मुझे एक सपना है मेरा, वन ऑफ द सपने में से एक है कि मॉल में मैं साइकिल चलाऊं, पूरा चक्कर मारूं। बहुत जल्दी दिन में करो, रात में करो, कुछ भी करो, बट नहीं हम बहुत आप लोगों को देखना है साइकिल चलाते हुए मॉल में। बहुत जल्दी हम ये न्यूज़ के साथ आएंगे कि भाई पूरे मॉल में साइकिल चलाएंगे, प्रोबेबली ई स्कूटर टाइप ऑफ समथिंग। एंड फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल इज लाइक अ ह्यूज मॉल, 600 से ऊपर शॉप है ना, 600 प्लस, या 600। तो घर का कोई शॉपिंग करे इधर? बहुत सारी चीजें भाई, जब से शादी हुई तब से शॉपिंग ही कर रहा हूं, सारा हमेशा शादी रहती है। वो तो लाइफ टाइम चलेगा अभी। छोटा वाला मिलेगा क्या घर के लिए? मिलेगा क्या? I have to say यार, Diwali decor of this mall is nicely done, especially this one. I don't think मुझसे पहले किसी ने ऐसा शॉट लिया रहेगा। Thank you. चलो बाय। 3, 2, 1. टाइमर लगा के पीछे। Dublin Square की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। This is Phoenix Market City and this is Phoenix Paragon. Last time अपना बड़ा वाला मीटअप हुआ था ना, इधर ही हुआ था। और पता है क्या हुआ था? सो डब्लिन स्क्वायर की स्टोरी ये है कि कुछ सालों पहले मैं और शैनस फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल गए थे फोटोशूट करने के लिए 2015-16 में। 15 इंस्टाग्राम के लिए फोटोशूट कर रहे थे, काफ़ी नए थे हम लोग। तो डब्लिन स्क्वायर गए, वहाँ पे सिक्योरिटी आई, बोली कि सॉरी सर, यू नॉट अलाउड क्लिक पिक्चर्स ओवर हियर। दे आर राइट, यू नो यूजुअली दे चार्ज इफ यू वांट टू क्लिक पिक्चर्स ओवर देयर। हम लोग वहाँ से बाहर आए, मॉल के बाहर गए, लग के फोटोशूट कर रहे थे, वहाँ पर भी सिक्योरिटी आई, सॉरी सर, यू नॉट अलाउड क्लिक पिक्चर्स ओवर देयर। शैनस को बोला, शैनस हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, मॉल का प्रमोशन होगा, काफ़ी बुरा लगा। फिर मुझे शैनस ने एक बात बोली, क्या बोली थी? वर्क हार्ड वन डे दे विल कॉल हिम योरसेल्फ्स। इतनी मेहनत कर निखिल कि एक दिन यही तुझे बुलाएंगे और बोलेंगे फोटोशूट कर। और आज मुझे हल्की हल्की वैसी फील आई, वैसे तो पहले भी आई थी जब मीटअप था, लेकिन वो मीटअप था वो अलग था, आज एक नेक्स्ट लेवल पे था। आई थिंक दिस इज व्हाट यू कॉल अ पार्ट ऑफ सक्सेस। यस, नॉट सक्सेस, जिस दिन आपने मान लिया कि आप सक्सेसफुल हो गए हो उसी दिन यू स्टॉप ग्रोइंग, आपकी तरक्की उसी दिन रुक जाएगी। तो कभी भी मानना नहीं कि आप सक्सेसफुल हो गए हो, इट्स अ पार्ट, यू नो, ये पार्ट है, वो पार्ट है, व्लॉगिंग पार्ट है, यूट्यूब पार्ट है, सब पार्टी पार्ट है। ये भी पार्टी है। तो ये है एक्सेसरीज का डब्बा। बचपन में मुझे याद है जब मेरे डैड मेरे लिए साइकिल लाते थे, तो मैं डैड को बोलता, डैड मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, डैड बोलते चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं मांगने का। और आज देखो मुझे एक्सेसरीज का डब्बा मिला है इस साइकिल के साथ। तो पहले सब कुछ निकाल लेते हैं। सबसे पहले है ये टी शर्ट जो मैं थोड़ी देर में पहनूंगा। फिर आता है ये हेलमेट, याद है वो हेलमेट जो मैंने पहना था उस दिन, बहुत ही शानदार हेलमेट है। फिर आता है ये क्या चीज़ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये है हेडलाइट्स, बहुत सारे। सो ये माउंट है इस वाटर बॉटल के लिए जो कि इस तरह जाएगी, और हम इसको कुछ आई थिंक यहाँ पर इस तरह लगाएंगे। नाइस, फिलहाल सुबह में रखते हैं। क्या है और क्या है, और ये है टूल्स जो कि मैंने गिरा दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी खुला था। ओके, तो और कुछ भी नहीं है। तो इस डब्बे को हम सरकाते हैं बाजू में और अच्छी तरह से मुआयना करते हैं कि क्या क्या चीज़ है मेरे पास। नाउ वी ऑल नो सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी, सो दिस हेलमेट, हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी होता है जब साइकिल चलाते हो। दिस वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट टू राइड अ बाइसाइकिल, परफेक्ट। And these are the lights, I'm guessing कि आगे के लिए एक पीछे के लिए, because जब आप साइकिल चलाते हो विजिबल होना बहुत जरूरी है, आपको सामने वाले को बताना पड़ता है कि आप इधर हो। And this is a track t-shirt. Okay, this is looking nice, perfect size यार, this is 2XL, usually बहुत tight होता है ये, I'm looking nice in this, so I guess I'm ready to hit the road with this bicycle, लेकिन in few days. कुछ टूटा तो नहीं भाई? अभी हम साइकिल चलाएंगे। ले अरे रे रे रे, लेकिन नहीं चला सकते क्योंकि
हमको अपना घर का वीडियो बनाना है, अभी तक घर रिवील नहीं किया है, सिर्फ इतना कोना रिवील किया है, तो थोड़े दिन रुक जाओ, फिर हम साइकिल भी चलाएंगे घर के अंदर और घर का पूरा पार्ट भी दिखाएंगे। फिलहाल तो बन बाय। शोर में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसकी लाइट जो आपकी टाइगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या करें भाई, इसका इसमें इंजन नहीं है। और भाई तो जिनको नहीं मालूम है, शुभित की जो टाइगर एक्सप्लोरर है वो पिछले कितने 6-7 महीने से, 6-7 महीने साल होने आया, दिसंबर में साल होने आया, ऑलमोस्ट इंदौर के ट्रायम्फ शोरूम में पड़ी है क्योंकि एक पार्ट मिल रहा नहीं उसका। और लोग बरसों से मंगा ही रहे, एमटी चेंज होगा लेकिन पार्ट नहीं आया, इसलिए शुभित जब स्पीति गए थे और अपनी टाइगर लेके नहीं आ पाया था। मैं तो बोलता हूँ यार कैसे कैसे अरेंज कर, पार्ट डाल और बेच दे बाइक को। नहीं करेंगे ऐसी कुछ, और ये ले ले और ये ले और नेक्स्ट साइड पे हमारे साथ चलो, वैसे भी हम लोग अच्छी रोड पे जा रहे हैं, स्पीड पकड़ती है ये, और जहाँ स्पीड नहीं पकड़ पाई अपन टो कर लेंगे, ऐसा काम से है ना। सही बात है, बिल्कुल। तेरा वजन भी कम हो जाएगा, बिल्कुल। पिछले कई दिनों में वजन क्या बोलते पता है, मुंबई आऊंगा वजन घटेगा मेरा, मुंबई आने के बाद वजन बढ़ गया, सब गल रहा है यहाँ पे, दिस इज डिहाइड्रेशन, दिस इज नॉट वजन घटाना, बट क्या बोलता है, so fast it can go up to 120 km an hour, depends on your power। ये आप ही को मुबारक हो, तो मैं तो लूंगा BMW इस बारी। अच्छा, 850 100%। क्यों 1300 क्यों नहीं, ये 1200 जो भी है, ये बजट नहीं है एक तो, और बाकी इंडियन रोड पे जरूरत ही नहीं है, 850 में काम हो जाएगा। बट एक बार ट्राई करना, रहने दो सर। चल तू लेता है तो मैं ये लेके आता हूँ। हाँ, ओनली 2 lakh rupees सर। तो एक काम करो सर, वो जो स्पॉन्सरशिप मिली है वो कहाँ, मेरे को भी थोड़ा सा। फाइनली मिल गया, घंटों तक ढूंढने के बाद सब सेफ है, बैग के अंदर था, बगल में बच्चा वॉमिटिंग तो तैयार है। एनीवेज गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नहीं हो सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। प्लीज लेट मी नो वीडियो कैसा लगा, बिकॉज हम लोगों को पता है कैसे कैसे शूट किया, क्या किया, बहुत मेहनत की। आई एम अज्यूमिंग कि कल मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट आ जाएगा, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है 4th of November। बिल्कुल, चलो कोई नहीं, खत्म करते हैं। सो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट आवर लवली फ्रेंड्स। कल वीडियो आने की पूरी कोशिश होगी, कल बहुत बिजी डे है, मेरा बर्थडे है, लेकिन फिर भी मैं घर में नहीं रहूँगा, बाहर रहूँगा, काम है बहुत खत्म करने हैं, बिकॉज अभी कनाडा नहीं गया हूँ तो बाकी बहुत सारे काम ले लिए हैं, सो फिंगर्स क्रॉस्ड हो जाएगा, और बर्थडे की कुछ प्लानिंग करते, बिल्कुल बैठ के भी बात करते, बिल्कुल चलो चलो आप लोग इंजॉय करो। भाई बहुत थक गया आज, बहुत लंबी फ्लाइट थी। तो भाई साहब बहुत मस्ती हुई है, तहलका मच गया, तहलका। अब ये व्लॉग का स्टार्टिंग है या एंडिंग है? ये पोस्ट क्रेडिट सीन है, पोस्ट तो पोस्ट में ये इसको मैं शामिल हो ना, ये मैं इसको शामिल मत हो ना, इज्जत कुछ नहीं रही आती आदमी की, बात इसमें मत शामिल हो ना, ये पोस्ट क्रेडिट है। ये एक बार हुआ था, बार बार नहीं होगा, दिस इज नहीं, ये नहीं करता पोस्ट क्रेडिट को कुछ, इमेज की बता रहा इसमें, मैं आपको जानता, आप बोलो बोलो, मेरी कौन तो लोग भेजता हूँ, अरे